बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू डीके यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों फाइनली कनाडा आईआरसीसी ने नवंबर मंथ का जो बैकलॉग का डेटा है उसे इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया है। सीआईसी न्यूज़ को ईमेल मौसूल हुआ है कनाडा आईआरसीसी की तरफ से, जहाँ पर कनाडा आईआरसीसी ने करंट डेटा अपडेट कर दिया है कि नवंबर मंथ के अंदर अंदर अब तक कनाडा आईआरसीसी ने बैकलॉग कितना कम किया है, किन किन कैटेगरीज पे वो लोग फोकस कर रहे हैं। और इस टाइम के ऊपर दोस्तों उन्होंने अपनी करंट अपडेट के अंदर ये तक मेंशन कर दिया कि 1250 वर्कर्स हायर हो चुके हैं, जिसका सुनहरियो दोस्तों अभी की अपडेट में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कनाडा आईआरसीसी की। अपडेट के अंदर कनाडा आईआरसीसी ने यह भी मेंशन कर दिया कि हमें क्या लगता है कि 50% से ज़्यादा बैकलॉग कब तक क्लियर हो सकता है। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस वाकई ऐसी रही तो उम्मीद है कि 2023 की स्टार्टिंग के अंदर ही 50% से ज्यादा का जो बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज बटन होगा उसको दबा दो, बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हो कि कनाडा इमिग्रेशन बैकलॉग डिक्रीज टू 2.4 मिलियन पीपल। जी हाँ दोस्तों, इस मंथ के अंदर बैकलॉग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी रही कनाडा आईआरसीसी की, और कनाडा आईआरसीसी ने बड़ी स्पीड से जो है वो बैकलॉग को कम किया है सिर्फ एक माह के अंदर। कनाडा इमिग्रेशन हैज ड्रॉप टू जस्ट ओवर 2.4 मिलियन अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा ऑब्टेंड फ्रॉम इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा आईआरसीसी। दोस्तों कनाडा आईआरसीसी के डेटा के हिसाब से जो अभी न्यू डेटा रिलीज किया गया है उसमें अभी 2.4 मिलियन का बैकलॉग हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मतलब 2 लाख लोगों का जो डेटा है उसे क्लियर किया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि इन्होंने जब अगस्त के अंदर 2022 में जब डेटा रिलीज किया था तो 2.5 मिलियन का डेटा रिलीज किया था, जिसमें 1 लाख के अंदर अंदर बैकलॉग को कम किया गया था। फिर सितंबर मंथ के अंदर उन्होंने 2.6 मिलियन का डेटा रिलीज किया था, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 25,000 से 30,000 लोगों का ही फर्क पड़ा था। और अब जो है वो नवंबर की 3 तारीख को जो डेटा रिलीज किया गया है उसमें बैकलॉग 2.4 मिलियन हो चुका है, मतलब कि तकरीबन 2 लाख का डेटा जो है वो कम किया गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों कि इस टाइम के ऊपर इन्वेंट्री क्या चल रही है। तो सिटीजनशिप की जो इन्वेंट्री है दोस्तों वो 3,31,000 तक आ चुकी है, और अगर हम कंपेयर करें पहले के डेटा से 3,51,000 का जो है वो डेटा मौजूद था। अगर हम बात करें दोस्तों परमानेंट रेजिडेंस की, तो यहाँ पर उनकी इन्वेंट्री इस वक्त 5,06,000 लोगों की हो चुकी है, जो कि पहले 5,05,000 की थी। मतलब दोस्तों इसके अंदर परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही कनाडा आईआरसीसी की। और वैसे भी दोस्तों पीआर को लेकर एक बहुत अच्छी अपडेट दी है कनाडा आईआरसीसी ने, वो भी आपको मैं वीडियो की एंड में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि नवंबर की 3 तारीख तक टेम्प्रेरी रेजिडेंस की जो इन्वेंट्री थी वो 1.5 लाख की हो चुकी है, और पहले जो थी वो 1.6 लाख की थी। इसका मतलब दोस्तों तकरीबन 1.5 लाख के अंदर अंदर जो है वो वीज़ा सिर्फ टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स वीज़ा के अंदर से डिक्रीज किए गए हैं। मतलब दोस्तों इस टाइम के ऊपर कनाडा आईआरसीसी का जो ज़्यादा फोकस है वो वर्क परमिट वालों पर, इसके अलावा विजिटर वीज़ा वालों पर और स्टूडेंट्स के ऊपर है, और स्टूडेंट्स को तो वो हमेशा प्रायोरिटी देते आ रहे हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स का बैकलॉग बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि इस टाइम पे जो करंटली डेटा है वो यहाँ पर कंप्लीट मेंशन किया गया है, मतलब पीआर वालों का भी 5,06,000 का डेटा मौजूद है, टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा वालों का 1.5 लाख का जो है डेटा मौजूद है, इसके अलावा सिटीजन्स वालों का 3,31,000 का डेटा मौजूद है। मतलब अब कनाडा आईआरसीसी के पास 2.4 मिलियन का डेटा मौजूद है। साथ ही में दोस्तों एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी को भी लेकर उन्होंने अपनी इन्वेंट्रीज शो कर दी हैं कनाडा आईआरसीसी ने, कि 39,000 की जो इन्वेंट्री है वो अभी भी एक्सप्रेस एंट्री में मौजूद हैं, जो कि पुल के अंदर वेट कर रहे हैं अपना, और उनको आईटी अभी फिल वर्क सेंड नहीं किए गए। प्रोफेशनल नॉमिनी का डेटा भी इन्होंने जो है वो यहाँ पर सेंड कर दिया है, जो कि 62,000 का बनता है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि फैमिली क्लास वालों का डेटा भी उन्होंने शो किया है, जिसके अंदर 1,28,000 जो है वो करंटली अभी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, और अगर हम पहले की बात करें तो 1,25,000 की एप्लीकेशन थी दोस्तों। उसका मतलब कि फैमिली क्लास इन्वेंट्री के अंदर भी इस मंथ जो है वो डेटा इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो अच्छी रही वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा वालों की रही। उसके बाद दोस्तों स्पाउस एंड पार्टनर प्रोग्राम के अंदर भी 61,000 का डेटा मौजूद है। अगर पहले के मंथ से कंपेयर करें तो ये डेटा भी जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों PGWP की, उसके अंदर भी जो इन्वेंट्री अभी मौजूद है वो 55,000 लोगों की है, जो कि पहले 53,000 की थी। मतलब इसके अंदर भी इंक्रीज हुआ है डेटा। अब यहाँ पर दोस्तों सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा वालों का जो डेटा है वो ही डिक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों IRCC वर्किंग ऑन दी बैकलॉग, तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि उन्होंने 50% से ज़्यादा का बैकलॉग, उसका एक टारगेट सेट कर लिया है मार्च 2023 तक, और पूरी उम्मीद है उनको कि मार्च 2023 तक जो है वो 50% से ज़्यादा का जो बैकलॉग है वो कम कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने यहाँ पर यह भी चीज़ मेंशन की है कि उन्होंने 1250 न्यू स्टाफ्स को हायर करने के लिए $85 मिलियन का बजट भी सेट कर दिया है, जो कि अभी 1250 वर्कर्स हायर हो चुके हैं। सेकेंडली दोस्तों उन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की है कि सिटीजन और PR वालों की एप्लीकेशंस पर काम अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि 2023 तक जो है ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं जो PR वालों की है और सिटीजन वालों की है वो 100% डिजिटल कर दी जाए। 100% डिजिटल करने के बाद कैनेडा IRCC का कहना है कि इन एप्लीकेशंस पर बहुत जल्द काम किया जाएगा। इसका मतलब यही है दोस्तों कि इस वक्त उनकी एप्लीकेशंस को थोड़ा सा कैनेडा IRCC होल्ड कर रही है। जब भी ये डेटा सारा का सारा डिजिटलाइज हो जाएगा तो इसके ऊपर वर्कआउट बहुत स्पीड से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें पुराने डेटा की, तो मैं यहाँ पर आपको कंपेयर भी कराना चाहूँगा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1.5 मिलियन का डेटा जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंट्स वालों का मौजूद है। अगर हम इससे पहले वाले मंथ की रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर जो डेटा था पहले वो 1,644,000 का मौजूद था, जो कि अभी कम होकर आपके सामने है कि ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी की गई है कैनेडा IRCC ने अपनी, और टेम्परेरी रेजिडेंट्स वीज़ा वालों को बहुत अच्छे से फोकस किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि PR वालों का जो पहले डेटा था वो 6,14,000 का था, और अब जो है वो यहाँ पर 5,06,000 का हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर भी कमी बिल्कुल आई है दोस्तों, लेकिन कुछ डेटा इंक्रीज भी हुआ है इसके अंदर। अगर हम बात करें सिटीजन्स वालों की, तो 3,31,000 का डेटा इस वक्त मौजूद है कैनेडा IRCC के पास, और पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि 3,52,000 का डेटा मौजूद था, जो कि अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।